आज की वीडियो में आपको मोनी रॉय के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोनी रॉय अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सूरज नंबियार से शादी कर चुकी हैं और दोनों ने गोवा में एक डेस्टिनेशन वेडिंग की है। दोनों की शादी के बहुत से इवेंट्स हुए और कोविड के कारण मोनी को अपनी गेस्ट लिस्ट को भी कट डाउन करना पड़ा और शादी की फेस्टिविटीज को इंटीमेट रखना पड़ा। मोनी शादी के बाद फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड सूरज नंबियार के साथ अपने ससुराल भी आई, जहां उनके गृह प्रवेश के साथ साथ बहुत सी और भी रस्में हुई, जिन्हें मोनी ने बहुत ज्यादा तो एंजॉय किया ही, लेकिन मोनी ने अपनी ये सारी रस्म अपने फैंस के साथ भी शेयर की और फैंस ने भी मोनी के सारे ही रस्मों को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अब आज मोनी को बांद्रा में स्पॉट किया गया है। मोनी प्रॉपर नई दुल्हनिया लुक में नजर आई। मोनी ने ट्रेडिशनल प्रिंटेड ड्रेस और पिंक चुन्नी ले रखी थी, हाथों में मेहंदी, चूड़ा, मांग में सिंदूर। मोनी प्रॉपर न्यूली वेड वाइब दे रही थी। मोनी की ये लुक फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। मोनी अपनी एक्सपेंसिव डायमंड रिंग भी फ्लॉन्ट करती नजर आई, जो उनको उनके हस्बैंड सूरज नंबियार ने शादी पर दी है। फैंस को मोनी के ये लुक काफी ज्यादा पसंद आई है और उनके ट्रेडिशनल अवतार को देखकर फैंस बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फैंस का यही रिएक्शन है कि बहुत कम एक्ट्रेसेस हैं जो शादी के बाद अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस देती हैं और इस तरह से सबके सामने आती हैं, और मोनी का इस तरह से सबके सामने आना फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया है। रिपोर्टेडली बताया जा रहा था कि मोनी सिंह शादी के बाद हनीमून पर जाने वाली हैं, बट मोनी ने थोड़े समय के लिए अपने हनीमून को पोस्टपोन कर दिया है और वो अपने वर्क को रिज्यूम कर रही हैं। आपको मोनी रॉय की न्यूली वेड पिक्चर्स कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।